जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और इम्पोर्टेंट वीडियोस में। और इस वीडियो में भी हम देखेंगे आपके नॉलेज एंड करिकुलम या फिर साइकोलॉजिकल एंड फिलोसॉफिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इन दोनों किताब सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तो हम इसमें आज एक और कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। इसमें हम डिस्कस क्या करने वाले, आइए जरा उस पर बात कर लें। सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे संस्कृति के बारे में। अक्सर आपसे इन विषयों में सवाल पूछा जाता है। दो मुख्य सवाल है, पहली बात कि संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसकी अर्थ और परिभाषा, और दूसरा संस्कृति और शिक्षा में क्या संबंध है, या फिर शिक्षा संस्कृति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह हमारा पहला टॉपिक होने वाला है जिसको आज हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे हो ही नहीं सकता कि आपसे सवाल ना पूछे, वो है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, पाठ्यक्रम की परिभाषा, पाठ्यक्रम के प्रकार, पाठ्यक्रम के उद्देश्य, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। हो ही नहीं सकता कि इन सारे पॉइंट से आपका सवाल ना आए, कंफर्म आएगा। और इस पॉइंट को भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ और भी हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अवबोध, और इसके अलावा हम साथ ही साथ ये भी देखेंगे नेशनल इंटीग्रेशन, जिसको हम राष्ट्रीय एकाकीकरण कहते हैं। सिंपल इसमें क्या पूछा जाता है कि राष्ट्रीय एकता से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय एकता में शिक्षा का योगदान। ठीक वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय अवबोध में पूछा जाता है आपसे इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, मतलब अंतर्राष्ट्रीय अवबोध से आप क्या समझते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध क्यों जरूरी है, और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध मतलब अंतर्राष्ट्र को समझने के लिए शिक्षा कितना सहायक है, शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। और यही नहीं, एक और पॉइंट को हम देखेंगे, वो है दोस्तों एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, या फिर स्पेशल स्पेशलिटीज ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, यानी कि अच्छी पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था, अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। ओके, तो ये तमाम टॉपिक आज हम देखने वाले हैं। आराम से देखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। आप पॉइंट्स को, हेडिंग को बस समझिएगा, उसके अंदर को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे आज के पहले पॉइंट को, वो क्या है दोस्तों, संस्कृति। ठीक है, संस्कृति किसे कहते हैं दोस्तों। हर एक समाज की, हर एक वर्ग की अपनी संस्कृति होती है। हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, वो अपने संस्कृति से, अपने रीति रिवाजों से क्या करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, शादियां करते हैं, जीवन जीते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। एक परिभाषा से हम शुरुआत करेंगे। जैसे रोसेक ने एक परिभाषा दिया था, कैसे दिया था इस चीज को समझिए। उन्होंने कहा था दोस्तों कि संस्कृति क्या है भाई, उन्होंने कहा था कि संस्कृति की साधारण परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि किसी विशेष समय और स्थान में निवास करने वाले विशेष व्यक्तियों के जीवन व्यतीत करने की सामूहिक विधि। किसी विशेष स्थान में, विशेष स्थान का मतलब मान लीजिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, या फिर कोई विशेष अवध मान लीजिए, या फिर गोरखपुर मान लीजिए। तो इस विशेष जगह पे, इस विशेष स्थान पे, किसी विशेष समय में वहां के निवास करने वाले लोगों की क्या होती है, जीवन व्यतीत करने की सामूहिक विधि, तो इस चीज को मानते हो तो क्या हुई, वो वहां की संस्कृति कहलाती है, उसे वहां की संस्कृति से समझा जाता है। अब जरा समझेंगे संस्कृति के अर्थ को। देखिए, सामान्य अर्थों में संस्कृति शब्द सुसंस्कृत मतलब संस्कार से लिया गया है। सुसंस्कृत का मतलब अच्छे संस्कार, ठीक है। जैसे हमारी एक संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति है मेहमान नवाजी, ठीक है। जैसे जो मेहमान आते हैं, अतिथि देवो भव का कॉन्सेप्ट है, तो मेहमान की खिदमत करना, उनकी सेवा करना, और इसमें बड़ी प्रसन्नता मिलती है। ये संस्कृति आपको जरूरी नहीं कि हर जगह दिखाई दे, खासतौर पर इंडिया की तो ये संस्कृति होती है। इंडिया में कोई फॉरेनर आ जाता है तो उसे हम बड़ी इज्जत देते हैं, कभी कभी कुछ ज्यादा इज्जत देते हैं, जैसे सीमा हैदर को, जो सभा, तो हम क्या करते हैं कि हम इज्जत देते हैं, ये बात तो फैक्ट है। तो ये हमारी क्या होगी, संस्कृति होती। तो संस्कृति किस शब्द से लिया गया, संस्कार शब्द से लिया गया, सुसंस्कृति अच्छे संस्कार, इसको हम वास्तव में संस्कृति कहते हैं। तो सुसंस्कृति या संस्कार से लिया जाता है। संस्कृति संस्कृत भाषा के शब्द संस्कार से बना है, जिसका अर्थ है कुछ तत्वों की पूर्ति करना अथवा उन्हें संपन्न करना। इस प्रकार संस्कृति का अर्थ हुआ विभिन्न संस्कारों द्वारा सामूहिक जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करना, विभिन्न संस्कारों के द्वारा, अपने आचरण आचरण के द्वारा, अपने संस्कारों के द्वारा अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करना। जीवन के उद्देश्य की पूर्ति का मतलब सुखी सुखी जीवन जीना, सत्य ईश्वर प्रेम को प्राप्त करना, ये हमारी संस्कार होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, संस्कृति कहते हैं। तो ये हो गई संस्कृति का अर्थ, संस्कृति का अर्थ देख लेंगे। परिभाषा आपने देखा रोसक ने कैसे परिभाषित किया था। एक और परिभाषा हम यहाँ पे देख लेंगे, टॉयलर जी ने क्या लिखा था। इन्होंने लिखा था, संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, नियम, रिवाज और समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित की जाने वाली अन्य योग्यताएं और आदतें भी शामिल है। एक समाज में एक मनुष्य की क्या रिवाज है, क्या रीति है, क्या आदतें हैं, उनकी क्या विकास, उनका क्या, कैसे किस प्रकार का ज्ञान है, उनका विश्वास क्या है, उनका कला क्या है, इन तमाम चीजों का अर्जन, इन तमाम चीजों का समूह ही वास्तव में क्या कहता है,
संस्कृति कराता है, तो इस तरीके से टॉलर ने इसको परिभाषित किया था। चलिए एक और परिभाषा देख लेंगे दोस्तों, जिसको सदरलैंड एंड वुडवर्ड ने कैसे कहा था कि संस्कृति में कोई कोई भी बात आ सकती है, कोई भी बात आ सकती है, जैसे आपका रिवाज, आपके बोलने का तरीका, आपकी आपकी आदतें, आपका त्यौहार मनाने का तरीका, शादी करने का तरीका, कोई भी आदतें, कोई भी बात आ सकती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित किया जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है, इसको स्थानांतरित किया। किसी भी राष्ट्र की संस्कृति उसकी सामाजिक विरासत है, हमारे देश की संस्कृति हमारी सामाजिक विरासत है भाई, हमारी विरासत है जिसे हम खोना नहीं चाहेंगे, जिसके ऊपर अगर कोई कमेंट करे तो वो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। ये वास्तव में सदरलैंड एंड वुडवर्ड ने इसको ऐसे परिभाषित किया था। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि भारतीय संस्कृति की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है। जैसे कि धर्म पर आस्था, भारत में लगभग मतलब ऐसे भी लोग हैं जो धर्म की आस्था नहीं रखते, मगर लगभग आप देखेंगे सबको अपने धर्म पे आस्था है, अपने धर्म के प्रति प्यार है, अपने धर्म के प्रति विश्वास है, ठीक है। और भारत के संविधान भी इस चीज को देता है कि आप अपनी आस्था के अनुसार अपने धर्म को मान सकते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है दोस्तों कि हमारा क्या है भाई, धर्म पे आस्था है। संयुक्त परिवार प्रथा, ये बहुत ही खूबसूरत संस्कृति है हमारी कि हम अभी भी संयुक्त परिवार में रहते हैं, अपने साथ मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची, ये संयुक्त परिवार है। मुझे तो ये परिवार बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये हमारी क्या हो गई, संस्कृति हो गई, ठीक है। विभिन्नता में एकता, ऑब्वियस सी बात है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तमाम विभिन्नताएं होने के बाद, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, क्षेत्र के नाम पे हो, भाषा के नाम पे, स्टिल वी ऑल आर इंडियन, स्टिल हम क्या हैं भाई, सब एक भारतीय हैं, हमारे अंदर एकता है। और इसी बात पे दोस्तों आप सभी को चंद्रयान 3 की सफल उड़ान के लिए, चंद्रयान 3 की सफल परीक्षण के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ये बहुत ही खुशी और गौरव का पल है भारत के लिए कि चांद पर हिंदुस्तान। चलिए अतिथि की सेवा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये भारत की संस्कृति है कि अतिथि की सेवा की जाती है। शांति एवं अहिंसा का सिद्धांत, हमारा क्या है भाई, शांति और अहिंसा का सिद्धांत है। अच्छा आपको पता है हम अपने आर्मी को डिफेंस आर्मी कहते हैं, डिफेंस आर्मी का मतलब ये नहीं है, डिफेंस का मतलब क्या होता है भाई, देखो हमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन अगर मेरे अंदर आओगे तो फिर हम मारेंगे, हम डिफेंस करते हैं अपने आप को, हम पहल नहीं करेंगे आपको मारने में, लेकिन हम अगर आप इंटरफेयर करोगे तो फिर आपको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए डिफेंस आर्मी कहा जाता है, ठीक है। तो शांति एवं अहिंसा का सिद्धांत हमारा होता है, हम शांति से जीना चाहते हैं, लेकिन अगर आप अशांति करेंगे तो फिर आपके अंदर भी अशांति कर दी जाएगी, ठीक है। शांति और अहिंसा का सिद्धांत है हमारा, हमारी ये संस्कृति है। विश्व बंधुता का सिद्धांत है दोस्तों, हम विश्व को एक परिवार के रूप में देखते हैं, विश्व बंधुता की बात करते हैं, अगर आप हमारे साथ अच्छे हैं, कितना अच्छा है, देखो भारत और रूस का रिलेशन देख लीजिए, भारत और रूस का कैसा रिलेशन है, ठीक है। उन्होंने हमारी सहायता करी, हम हमेशा उनकी सहायता करते हैं, चाहे इसके लिए कोई भी इंटरनेशनल कंट्री हमारे खिलाफ हो या फिर उनसे संबंध खराब हो, लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर किसी ने हमारे ऊपर भरोसा दिया, किसी ने हमारी मदद की, किसी ने हमारे मुश्किल दौर में साथ दिया, तो हम उसके साथ खड़े रहते हैं। ये भारत की एक संस्कृति है। तो विश्व पटल पे भी भारत की एक संस्कृति है कि विश्व बंधुता का वो सिद्धांत रखता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है दोस्तों शिक्षा और संस्कृति में क्या संबंध। अब देखिए ये ऐसा पॉइंट है, यूं बस समझिए कि निबंध के तौर पे आपसे अगर पूछता है कि शिक्षा और संस्कृति में क्या संबंध है, तो आपको अपने शब्दों में अपने सोच से एक निबंध छोटा सा लिख देना है संस्कृति को परिभाषित करते हो। जैसे शिक्षा और संस्कृति में अत्यंत घनिष्ठ संबंध, कैसे, आपकी संस्कृति को स्थानांतरण करने के लिए या संस्कृति को जानने के लिए, संस्कृति को सीखने के लिए शिक्षा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि किसी समाज की शिक्षा में कोई विशेषता मिलती है तो उसका एकमात्र कारण उस समाज की संस्कृति है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी समाज में की शिक्षा में कोई विशेषता है, कोई स्पेशलाइज है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी संस्कृति से जुड़ा है, अपने परिवार से वो सीखा है, अपने आसपास के लोगों से वो सीखा है, उसकी समाज में वो विशेषता, उस संस्कृति पाई जाती है, तभी वो उसके शिक्षा में वो विशेषता। वस्तुतः प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति के अनुरूप ही शिक्षा व्यवस्था करती है। मुस्लिम समाज के लोग ज्यादातर कुरान हदीस इन चीजों पर फोकस करते हैं, तो क्या है भाई, प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति का अनुरूप ही शिक्षा व्यवस्था करती है, उस पर फोकस करती है। हालांकि अभी अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत क्या है भाई, समावेशी शिक्षा है, एक एक सबके लिए समान शिक्षा व्यवस्था है, मगर फिर भी जो शिक्षा कुछ चीजें होती हैं वो ऐसे अपने समाज के अनुसार बच्चों को दी जाती है। चलिए शिक्षा निम्न प्रकार से संस्कृति को सहायता करती है, किस प्रकार से सहायता करती है, आइए जरा कुछ पॉइंट को देखते हैं। पहला, व्यक्ति समाज के सदस्य के रूप में ही संस्कृति को सीखता है और उसे अगली पीढ़ी को स्थानांतरित करता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, शिक्षा से ही अपनी संस्कृति को सीखते हैं और अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करते हैं। हमें पढ़ के ही पता चलता है कि पुरानी संस्कृति कैसे होती थी और अभी संस्कृति कैसी है और आगे की संस्कृति कैसे हमें भेजना है। इस कार्य में शिक्षा संस्कृति की अपूर्ण सहायता करती है स्थानांतरण करने में। अच्छा, यह सत्य है कि व्यक्ति प्रमुख रूप से संस्कृति की अनेक बातों को सीखता है,
पर यह भी सत्य है कि उसे अनेक बातों की शिक्षा अध्यापक द्वारा ही दी जाती है। वस्तुतः अध्यापक द्वारा ही शिक्षा को संस्कृति को स्थानांतरण करने का कार्य सौंपा गया है। मतलब सही बात है, हमें पता है कि चीजें ऐसे मनाई जाती है। जैसे अभी एक चीज समझ जाइए, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी पे जो दही हांडी का प्रोग्राम होता है, यह हालांकि ये संस्कृति है हमारी कृष्ण जन्माष्टमी मनाना, लेकिन अब इन चीजों को हम क्या करते हैं, स्कूल में भी सेलिब्रेट करते हैं, तो बच्चे उस स्कूल से उस संस्कृति को सीखते हैं। ठीक है, घर पे रह के फिर अब क्योंकि अब परिवारों में उतना प्रेम नहीं रहा, या फिर आपस में लोग उतना बन नहीं पाते, या फिर बच्चे तो इतना भरोसा हम छोड़ नहीं पाते बाहर जाओ सीखने के लिए, तो स्कूल में आके उन चीज़ों को सीखते हैं, उसको करते हैं, एंजॉय करते हैं, कोई राधा बनती है, कोई कृष्ण बनता है, और वो चीज़ें होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हम क्या करते हैं, शिक्षा के माध्यम से हम इन संस्कृतियों को आगे बढ़ाते हैं, अपनी संस्कृतियों को जानते हैं, सीखते हैं, अच्छा और भी जानते हैं। जैसे दही हांडी में मुस्लिम बच्चे भी प्रतिभाग करते हैं, वो भी उस चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या हुई, शिक्षा द्वारा संस्कृति का स्थानांतरण हो गया, और शिक्षा और संस्कृति का संबंध हो गया, और किस तरह से शिक्षा जो है संस्कृति के लिए फायदेमंद है। एक और पॉइंट देखते हैं, व्यक्तित्व के विकास में सहयोग में शिक्षा का एक मुख्य कार्य बालक के व्यक्तित्व का विकास करना है। शिक्षा का एक मुख्य कार्य क्या है, कि बालक के व्यक्तित्व का विकास करना, पर वह इस कार्य की संस्कृति के अनेक उपकरण प्राप्त करता है, जिनके प्रयोग वह बालक के बौद्धिक, चारित्रिक, संवेगात्मक और आध्यात्मिक विकास के लिए करती है। सिंपल सी बात यह है दोस्तों, संस्कृति से हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को सीखते हैं, और जैसे जैसे चीज़ों को सीखेंगे, हम अपने धर्म को जानेंगे, अपने रीति रिवाज को जानेंगे, अपनी परंपरा को जानेंगे, तो इससे हमारा आध्यात्मिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, चारित्रिक विकास होगा, ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट होगी। तो शिक्षा से हम चीज़ों को सीखते हैं, और शिक्षा का एक काम ही है भाई कि विकास करना, कंप्लीट विकास करना। तो शिक्षा से हम संस्कृति को सीखेंगे, और उस संस्कृति से हमारा विकास होगा, मतलब संस्कृति के माध्यम से हम शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, कहने का मतलब ये। चलिए ठीक है, ओके। अब अगला पॉइंट हम यहाँ से देखेंगे, जैसे हमने आपसे कहा था कि अगला पॉइंट हम क्या देखेंगे, राष्ट्रीय एकता या फिर राष्ट्रीय एकाकीकरण, जिसको हम नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं। अब इसको जरा समझेंगे कि नेशनल इंटीग्रेशन क्या है दोस्तों, बस यही है कि राष्ट्रीयता का भावना तमाम रंग रूप, क्षेत्र, भाषा, जात, धर्म को भूलकर, छोड़कर एक राष्ट्र की तरह आपस में जुड़ना, एक राष्ट्र की तरह सबको एक अपना मानना, वास्तव में यही राष्ट्रीय एकाकीकरण है, यही वास्तव में राष्ट्रीयता है। ठीक है, तो चलिए, राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य किसी राष्ट्र के नागरिकों की एकता की भावना से होता है, यह भावना राष्ट्र का एक आवश्यक लक्षण है। बिल्कुल सही, इसके बिना राष्ट्र का निर्माण संभव ही नहीं होता। जब किसी राष्ट्र के नागरिक क्या वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, मूल्य मान्यताएं, जाति धर्म आदि के अंतरों को भूलकर अपने को एक समझते हैं और राष्ट्र हित के आगे अपने हित को त्याग करते हैं, तो हम इस भावना को राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय एकाकीकरण कहते हैं। राष्ट्र हित सर्वोपरि, हमारा हित बाद में। ठीक है, तो हम अपने रंग रूप, वेशभूषा, जाति धर्म, खान पान, क्षेत्र को भूलकर, अपने हित को भूलकर राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रखते हैं, और पहले राष्ट्र की सोचते हैं, और सब आपस में जुड़े होते हैं, इसी भावना को क्या कहते हैं दोस्तों, राष्ट्रीयता कहते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए राष्ट्रीय एकता, इसके बारे में आप बखूबी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अब राष्ट्रीय एकता तथा शिक्षा का क्या मतलब हुआ, आपने देखा हुआ भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि अगर हमारी शिक्षा शुरू होती है ना, तो शुरू किससे होती है दोस्तों, राष्ट्रगान से होती है, राष्ट्रगान से होती है, क्योंकि वो राष्ट्रीयता हमें जगाना है बच्चों के अंदर। तो राष्ट्रीयता की दृष्टि से आज शिक्षा का, राष्ट्रीयता की दृष्टि से आज शिक्षा का एक लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है, कि व्यक्तियों में राष्ट्रीय भावना भरना, उनके हृदय में राष्ट्रीय के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। ठीक है, ये हमारा शिक्षा का लक्ष्य है। जब आप शिक्षक या शिक्षिका बन जाएंगे, तो आपका भी ये प्रमुख लक्ष्य होगा कि बच्चों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। राष्ट्रीयता के समर्थकों का कथन है कि राष्ट्र के लिए व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए राष्ट्र नहीं है। आप राष्ट्र के लिए व्यक्ति है, हम राष्ट्र के लिए, कोई जरूरी नहीं कि राष्ट्र हम राष्ट्र के लिए। आपने एक मूवी देखी हुई, रिसेंटली एक मूवी आई थी पठान, पठान में क्या गया था, शाहरुख खान कहता है कि एक सच्चा देशभक्त ये नहीं पूछता कि देश ने उसके लिए क्या किया, वो ये कहता है कि मैं और देश के लिए क्या कर सकता हूँ। तो हमें हमारी ये भावना कि हम राष्ट्र के, हम ये नहीं सोचेंगे कि राष्ट्र ने मेरे साथ गलत किया, बुरा किया, नहीं, ये भावना आनी ही नहीं चाहिए। हम राष्ट्र के लिए बने, हमें राष्ट्र को बेहतर बनाना है। और जब ऐसी सोच आएगी ना, तो हमें लगेगा ही नहीं कि राष्ट्र ने मैं गलत कर ही नहीं सकता। राष्ट्र का मतलब क्या, राष्ट्र के लोग से ही राष्ट्र बनती है। और जब हम सब ये सोचें कि हमें राष्ट्र को बेहतर बनाना है, तो कौन हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वास्तव में यही भावना है दोस्तों, ठीक है, कि हम ये नहीं सोच सकते कि देश ने हमें क्या दिया, हम ये सोचते हैं कि हम और देश को क्या दे सकते हैं। अतः शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षा प्राप्त
व्यक्ति राष्ट्र प्रेम से युक्त हो, हर एक शिक्षित व्यक्ति क्या हो, राष्ट्र प्रेम से युक्त हो। राष्ट्रीयता की दृष्टि से राष्ट्र को सुदृढ़ तथा सफल बनाना नागरिकों की सबसे पुनित कार्य समझा जाता है। अतः राष्ट्र की आवश्यकताओं, आदर्शों तथा मान्यताओं के अनुसार ही शिक्षा व्यवस्था की जाती है या फिर शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा और राष्ट्रीयता के बारे में आप इस तरीके से आप लिख लेंगे। अब आइए एक पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि शिक्षा देने के दौरान या फिर एक शिक्षक कैसे राष्ट्रीयता की भावना को और बेहतर बना सकता है, शिक्षा के द्वारा कैसे हम राष्ट्रीयता की भावना को, नेशनल इंटीग्रेशन को हम और बेहतर कर सकते हैं। इसके पॉइंट जरा देख लीजिए। पहली बात कि धर्म निरपेक्षता को ध्यान में रखकर विद्यालय एवं कॉलेजों में ऐसी पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जाए जिससे धार्मिक सौहार्द बढ़े, आपस में धार्मिक प्रेम बना रहे। ठीक है, इस तरीके से पढ़ाए, इस पाठ्यक्रम से पढ़ाए, इस तरीके से पढ़ाए, ठीक है, आपस में नफरत ना फैलाए। पाठ्य पुस्तक में आवश्यक संशोधन किया जाए, उनकी सामग्री इस प्रकार प्रस्तुत की जाए कि वे भावात्मक एकता के विकास में सहायक हो। ठीक है, चलिए। मध्यकालीन इतिहास पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए कि वो उस बातों पर बल दें जो हिंदू मुसलमानों की संस्कृति को मिलाने में सहायता होती है। एक शिक्षक कैसे आपको क्या कर सकता है, आपस में प्रेम बढ़ा सकता है। बालकों में शिक्षा द्वारा ऐसा दृष्टिकोण उत्पन्न किया जाए जिसमें वो अपनी संस्कृति विरासत के महत्व को समझे और उनकी सुरक्षा और संरक्षण कर सके। कुछ और पॉइंट है, विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान, भाषाएं, साहित्य, संस्कृति और कला के अध्ययन की व्याख्या की जाए। ठीक है, छात्रों को ऐसी पाठ्य पुस्तक पढ़ाई जाए जिससे उनमें एकता की भावना हो, हम की भावना, नॉट मैं एलोन, नहीं हम, एकता की भावना विकसित हो। विद्यालयों में 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाया जाए ताकि उनको लगे कि हाँ चीजें, देश कैसे आजाद हुआ, संविधान कैसे लागू हुआ, गांधी जी के विचारों को जाने, उनको अपने जीवन में लागू करें। राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक है कि एक सही भाषा नीति बनाई जाए जिसमें सभी भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, चलिए। उपरोक्त उपायों को यदि ईमानदारी से पालन किया जाए तो संभवतः राष्ट्रीय एकता की स्थापना आसानी से किया जा सकता है। तो यहाँ तक बात हो गई राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एकता का मतलब समझा, एकता की भावना, एक की भावना, तमाम रंग रूप भेद को मिटाकर एक भारतीय के रूप में समझना राष्ट्रीय एकता कहलाता है, राष्ट्रीय एकाकीकरण कहलाता है। अगला टॉपिक है दोस्तों नेशनल इंटीग्रेशन, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय। अब आपने राष्ट्र को तो समझ लिया, आपका एक जिम्मेदारी, एक दायित्व पूरे अंतर्राष्ट्रीय के लिए भी है, इंटरनेशनली भी है। तो अंतर्राष्ट्रीयता क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध क्या होता है, इसके बारे में भी हमें समझना है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की सहायता से हम विश्व के लोगों को विश्व नागरिक की ओर अग्रसर कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अवबोध विश्व नागरिकता संबंधित वह एहसास है जो विश्व राष्ट्रों के बीच कंप्लीट पूरे देश के बीच क्या करे, एक सौहार्द, सहिष्णुता और सहयोग और मित्रता की भावना उत्पन्न करे। जैसे मान लीजिए, जैसे मानता है रूस और इंडिया, ठीक है, और भी तमाम देश, भारत, अमेरिका, तो जो भी ये देश है ना, उनके अंदर क्या हो, एक अंतर्राष्ट्रीय समझ हो, एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग हो कि हमें कैसे देश चलाना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे साथ में सहयोग से आगे काम करना है। तो जैसे इसमें सौहार्द रहे, सहिष्णुता रहे, मित्रता बना रहे, सहयोग बना रहे, इसी भावना का विकास दोस्तों, इसी भावना को उत्पन्न करना क्या है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध है। बट आपके सिलेबस में रखने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अपने बच्चों को जब पढ़ाएं तो ये भी पढ़ाएं कि ऐसा ना हो कि आगे बढ़ने के बाद आपकी वजह से किसी दूसरे देश का नुकसान हो, लेकिन कोई आपके साथ नुकसान करे, इतना भी आपको सहिष्णु नहीं बन जाना है। तो हमें ये बच्चों को पढ़ाना है। ऑलिवर गोल्डस्मिथ लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीयता वह भावना है जिससे व्यक्ति अपने राज्य का ही सदस्य नहीं अपितु विश्व की नागरिकता भी अनुभव करता है। विश्व की नागरिकता क्या करता है, अनुभव करता है। अब मान लीजिए आप इस देश से कहीं दूसरे देश में जाके जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो इस चीज की आजादी मिले, आप आइए, स्वागत है आपका, यहाँ पे बिजनेस करिए या फिर यहाँ पे जॉब करिए, इस चीज की आजादी मिले। तो क्या है, विश्व को अपना एक घर समझा जाए, वहां का भी खुद को नागरिक समझा जाए। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है भाई, देखिए संपूर्ण मानव जाति तथा विश्व को एक समझना आवश्यक है। मनुष्य को ध्वंसात्मक प्रवृत्ति से बचने तथा रचनात्मक प्रवृत्ति में लाने के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध, वैज्ञानिक आविष्कारों का सभी राष्ट्रों के लिए उपयोग किया जा सके। अब ऐसा नहीं कि अगर किसी ने बल्ब का आविष्कार कर दिया तो केवल वहीं जलेगा, इंडिया में भी जलना चाहिए, ठीक है। तो क्या भाई, उनके आविष्कारों को पूरे संपूर्ण राष्ट्र में इसकी उपयोग की अनुमति मिलनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय प्रगति के लिए प्रयास करना कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रगति हो, मानवता की भावना का विकास करना, ये दो, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय की शिक्षा की बात करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे, ये पॉइंट की ये लास्ट पॉइंट होने वाली है। चलिए, शिक्षा का विकास महत्वपूर्ण साधन है, शिक्षा विकास का महत्वपूर्ण साधन है। अगर किसी को डेवलप करना है, किसी को विकसित करना है, तो उसे शिक्षित करना होगा। जनता की मनोभावनाएं इसी के माध्यम से बदली जा सकती हैं।
ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव इसी के द्वारा बदले जा सकते हैं, उन्हें रचनात्मक मोड़ दिया जा सकता है, इसलिए हम इन बातों को ध्यान रखना होगा। इन बातों को जैसे बालकों में तर्क एवं विचार की शक्ति का विकास करना है, ठीक है। संकीर्ण राष्ट्रीयता की भावना, मतलब संकीर्ण मतलब केवल ये सोचना कि हाँ नहीं हमें उनसे मतलब नहीं, नहीं ऐसी सोच को हटाना, ऐसी सोच लाना कि हम सोच लाना कि पूरे क्या है भाई, पूरे विश्व के एक नागरिक है, हमें उसके बारे में सोचना है। बालकों में हीनता व महत्व की भावना का अवरोध करना, जैसे कोई हीन भावना से किसी को देखता है तो इस चीज को मना करना, ठीक है। पारस्परिक निर्भरता का ज्ञान देना, बताना कि कैसे एक देश दूसरे देश पर पारस्परिक निर्भर है। जैसे भारत से अगर फसल अनाज हम भेजते हैं तो वहां से हमें कुछ ऐसी चीजें जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, जैसे मुख्य तौर पर पेट्रोलियम पदार्थ, तो वहां से हमें लेना है, तो हम एक दूसरे से क्या है निर्भर। शिक्षा के माध्यम से हायर एजुकेशन के लिए MS करने के लिए लोग अच्छे डॉक्टर बनने के लिए वहां जाते हैं, वहां से लोग भी यहाँ पे आते हैं, तो ये क्या है दोस्तों, एक पारस्परिक निर्भरता है। व्यक्तित्व के विकास की पूरी संभावनाओं का अवसर प्रदान करना, जियो और जीने दो की भावना का विकास करना। जब हम सीखेंगे, जानेंगे, उनके साथ रहेंगे तो उनके विचारों को सीखेंगे, उनके साथ रह के भी सीखेंगे, वो हमारे साथ रह के सीखेंगे, तो कंप्लीट क्या है भाई, कंप्लीट व्यक्तित्व के विकास की पूरी संभावना का क्या करना, अवसर प्रदान करना। और दूसरा दोस्तों जियो और जीने दो की भावना का विकास करना। तो ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए इन बातों का ध्यान रखा चाहिए। अब हमारा एक और पॉइंट आ गया दोस्तों कि एक शिक्षा का योगदान या शिक्षक का योगदान कैसे, शिक्षक और अंतर्राष्ट्रीयता की भावना, या फिर देखिए ये जो पॉइंट है ना वो जब राष्ट्रीय एकाकीकरण में भी पढ़ेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कि शिक्षक की क्या योग्यता योगदान होती है, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है राष्ट्रीय एकाकीकरण या फिर अंतर्राष्ट्रीय अवबोध को बढ़ाने के लिए। तो देखिए अध्यापक का विश्वास अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए, वो भी खुद में भी इस चीज को विश्वास करे, ठीक है। पढ़ाई जाने वाली सामग्री केवल मौखिक ना हो, सामग्री का क्रिया द्वारा प्रस्तुतिकरण आवश्यक है, करके सीखने पर बल दिया जाए। छात्रों में दूसरे देश के लोगों की जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न करानी चाहिए, तभी बच्चे क्या करेंगे दूसरे देश को जानेंगे समझेंगे। शिक्षक जनतंत्र एवं अंतर्राष्ट्रीयता को न केवल पढ़ाए अपितु छात्रों के समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे जिससे वे उन गुणों को आचरण में लाए, जिससे वो समझे अपने आचरण में ले आए। शिक्षक को चाहिए कि वो बालकों के मानसिक स्तर को ऊंचा उठाए, ठीक है। शिक्षक को चाहिए कि वो साहित्य, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान में समावेश पद्धति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अवबोध का विकास करे। लास्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की शिक्षा देने के लिए शिक्षक को विशेष प्रकार की प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो ये दोस्तों होंगे एक शिक्षक या एक शिक्षा व्यवस्था कैसे योगदान देता है अंतर्राष्ट्रीयता को बढ़ाने। समझ में आ गया, बस इतना है। अंतर्राष्ट्रीय की समझ बढ़ाना है, अंतर्राष्ट्रीय प्रेम बढ़ाना है, राष्ट्रीय का किरण, राष्ट्र की एकता बढ़ाना है, शिक्षक कैसे उनकी सहायता कर सकता है, इन पॉइंट। तो ये हो गए दोस्तों अभी तक 3 पॉइंट हमने देख लिए, संस्कृति, राष्ट्रीय का किरण, अंतर्राष्ट्रीय बोध। आपको इसमें अगर कोई चीजें रटना नहीं है भाई, कोई याद नहीं करना है, बस समझ लेना है, समझ लेना है। आप ऊपर हेडिंग डालिएगा और देखिएगा क्या सोच पा रहे हैं। अगर कुछ सोच पा रहे हैं मतलब आपको चीजें समझ में आ गई, दो चार परिभाषा आप बस याद कर लीजिएगा, उस पर हेडिंग बना के लिख लेंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। अब जो पॉइंट शुरू होगा दोस्तों पाठ्यक्रम, इसमें तो निश्चित ही आपसे कम से कम 10 या फिर 25 या 15 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। अगर शॉर्ट में एक तो आएगा ही आएगा, और वेरी शॉर्ट में एक तो आएगा ही आएगा, 10 नंबर तो आएगा ही आएगा। अगर लॉन्ग में भी पूछ देता है 15 नंबर में, तब 25 नंबर हो जाएंगे। लेकिन श्योर है, 100% श्योर है कि आपके एक सवाल तो आपसे पूछे ही जाएंगे इससे संबंधित। तो क्या है भाई, पाठ्यक्रम क्षेत्र, पाठ्यक्रम के क्षेत्र, विशेषताएं, निर्माण के सिद्धांत, प्रकार और महत्व। देखिए इस पाठ्यक्रम को विस्तृत भी एक वीडियो में बनाया गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे इसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है। पाठ्यक्रम को एक वीडियो में भी बनाया गया है, इस पे विस्तृत यहाँ पे वहां पे एक्सप्लेन किया गया हो, यहाँ भी हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसके पॉइंट्स को समझते हुए आगे बढ़ जाएं। जैसे पहला क्या है दोस्तों पाठ्यक्रम। अब पाठ्यक्रम में यहाँ पे दो चीजें हैं, पहला पाठ्यक्रम बना कैसे, पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए अंग्रेजी में पाठ्यक्रम को करिकुलम कहते हैं, और जो करिकुलम है वो लैटिन के क्यूरे शब्द से बना है। क्यूरे का मतलब होता है दोस्तों दौड़ का मैदान। क्या मतलब होता है? दौड़ का मैदान। अब दौड़ का मैदान का मतलब कि इसको रेस कोर्स कहते हैं, वास्तव में क्यूरे को कहते हैं रेस कोर्स, दौड़ का मैदान। तो इसका लक्षणिक अर्थ है कि शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की प्रगति का क्षेत्र। जैसे मान लीजिए ये हमारा रेस कोर्स है, रेस कोर्स में कोई बच्चा ये कहेगा भैया हम ट्रैक से बाहर दौड़ेंगे, ट्रैक से बाहर नहीं दौड़ना है आपको, ट्रैक के अंदर ही दौड़ना है, ठीक। उसी तरह करिकुलम में कोई बच्चा ये कहता है
कोई ये बच्चा कहता है कि सर हम करिकुलम से बाहर पढ़ेंगे, मतलब हमारा करिकुलम कहता है कि सुबह 8 बजे से क्लास स्टार्ट होता है, हम 10 बजे आएंगे, तो आप नहीं कर सकते। वास्तव में करिकुलम क्या करता है ना, एक परिधि बनाता है, एक हमारे लिए रेस कोर्स बनाता है कि इसके अंतर्गत हमें क्या करना है, शिक्षण का कार्य करना है। अच्छा, करिकुलम और सिलेबस में कई बार एक कन्फ्यूजन, सिलेबस का मतलब वो चीजें जो पढ़ाना है आपको, करिकुलम सिलेबस से विस्तृत है, जो सिलेबस है ना वो करिकुलम का पार्ट है। करिकुलम ये निर्धारित करता है कि आपके करिकुलम में सिलेबस क्या होगा, विषय क्या होगी, कितने घंटे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, और इसके अलावा भी क्या नहीं पढ़ाना है, कब लंच देना है, कब बच्चों को बुलाना है, कब परीक्षा करानी है, कब उनका रिजल्ट देना है, कब उन्हें खेल कराना है, ये सारी चीजें करिकुलम के अंतर्गत आती है। जबकि सिलेबस के अंतर्गत क्या आती है, सिलेबस एक करिकुलम का पार्ट है, आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये सारे सिलेबस के अंतर्गत आते हैं। चलिए समझेंगे कि तुलना की जाती है किससे, दौड़ से की जाती है, पाठ्यक्रम की दौड़ के मैदान जिसमें दौड़कर विद्यार्थी अपने गंतव्य स्थान को पाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पाठ्यक्रम वो मार्ग है जिसका अनुसरण करके विद्यार्थी शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, करिकुलम का मतलब होता है रेस कोर्स, दौड़ का मैदान, जिस प्रकार व्यक्ति अपने रेस कोर्स के अंदर दौड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार विद्यार्थी अपने करिकुलम के अंदर अध्ययन करके अपने शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। ये बात हो गई दोस्तों करिकुलम की, ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे कुछ परिभाषा देख लेते हैं, परिभाषा अक्सर पूछता है, जैसे मेरा फेवरेट परिभाषा है दोस्तों ये कनिंघम जी का। कनिघम जी ने क्या बताया, जैसे मान लीजिए कोई पेंटर है, कोई चित्रकार है, कोई आर्टिस्ट है, वो डिजाइन करता है, ठीक है, डिजाइन कहाँ करता है, डिजाइन करता है अपने अपने स्टूडियो में, और डिजाइन करने के बाद क्या करता है, अपने मन के अनुसार एक बेहतरीन खूबसूरत सी आकृति बनाता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार दोस्तों करिकुलम जो है ना वो एक शिक्षक के हाथ में औजार है, हथियार है, वो क्या करता है, उस विद्यार्थियों को डिजाइन करता है, कहाँ करता है, विद्यालय में, और डिजाइन करने के बाद क्या बनाता है, अपने उद्देश्यों के अनुसार एक अच्छा व्यक्तित्व बना, व्यक्ति बनाता है, एक अच्छा नागरिक बनाता है। देखिए कितना बेहतरीन परिभाषा कर दी। पाठ्यक्रम कलाकार मतलब अध्यापक के हाथों में एक साधन है जिससे वह पदार्थ यानी कि शिक्षकों को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपनी चित्रशाला यानी कि विद्यालय में चित्रित कर सके, यानी कि उनको बना सके, समझ में आई बात। चलिए वाटर सी के अनुसार देखिए, इन्होंने कहा था पाठ्यक्रम वे समस्त अनुभव सम्मिलित हैं जिनको बालक विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करते हैं, और इसके अंतर्गत कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं तथा उसके बाहर के समस्त कार्य एवं खेल सम्मिलित हैं, ठीक है। चलिए मुंद्रो जी ने कहा था पाठ्यक्रम के अंतर्गत समस्त अनुभव आते हैं जिसकी शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षालय में प्रयोग में लाया जाता है। फॉर्बेल ने कहता है कि पाठ्यक्रम को मनुष्य की जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाना चाहिए, मतलब जो भी एक मनुष्य है उसके संपूर्ण ज्ञान का सार है दोस्तों पाठ्यक्रम, मतलब जो पाठ्यक्रम में रहेगा वही बच्चा सीख पाएगा। टी प्रसिनन ने कहा था कि पाठ्यक्रम से तात्पर्य क्रियाओं के वे विभिन्न स्वरूप जिनके द्वारा मानव आत्मा की भव्य अभिव्यक्ति हो, जिनका इस व्यापक विश्व के लिए सार्वधिक एक अस्थायी महत्व हो। ये सारे परिभाषाएं आपको क्या करना है, एक बार अपने शब्दों में देख लेना। चलिए यहाँ से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे जो है कि पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत। अब आपने पाठ्यक्रम समझा कि आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, इन सारी चीज़ों को पढ़ाने के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार करना है, लेकिन इसके कुछ सिद्धांत हैं। क्या सिद्धांत है, पहला सिद्धांत ये है दोस्तों उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत का मतलब जब आप पाठ्यक्रम मान लीजिए बनाएंगे तो पहले ये भी तो सोचेंगे कि उस पाठ्यक्रम का उपयोग क्या है, किन बच्चों के लिए उपयोग करना है, उसके अंदर आप क्या क्या फायदे देंगे। तो पहला है दोस्तों कि पाठ्यक्रम की उपयोगिता का सिद्धांत, ठीक है, बस यहाँ पे समझते हो, चलो अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, अंदर आप एक बार अगर मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी मैं पीडीएफ भेज दूंगा तो आप वहां से देख सकते, ठीक है। तो टी पर्सिनन के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत उपयोगी सिद्धांत, पाठ्यक्रम में यथासंभव जीवन के लिए उपयोगी विषय का समावेश किया जाना चाहिए, ठीक है। तभी तो भाई उपयोगिता का सिद्धांत का मतलब आप जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं वो विद्यार्थी के लिए कितना उपयोगी है, समाज के लिए कितना उपयोगी है, क्षेत्र के लिए कितना उपयोगी है, विद्यालय के लिए कितना उपयोगी है, शिक्षक के लिए कितना उपयोगी है, तो उपयोगिता का सिद्धांत आपको ध्यान में रखना है। दूसरा दोस्तों प्रगतिशील एवं अर्घदर्शी सिद्धांत, मतलब प्रोग्रेसिव, ठीक है, कि आपका जो पाठ्यक्रम है वो कितना बच्चों को प्रोग्रेसिव बनाएगा, कितना उनके जीवन को आगे बढ़ाएगा, कितना उनके जीवन को विकास करेगा, तो इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान में रख के आपको आपको पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, ठीक है। तो पहले सिद्धांत पर विचार करते हुए यह कहा जाता है कि समाज की वर्तमान तथा भविष्य संबंधी आवश्यकताओं का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए, बच्चे कल के आदर्श नागरिक हैं, अतः उनके शिक्षण को इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वो प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति बन सके, बच्चे आज के जो बच्चे हैं वो कल के नागरिक हैं, सही बात है। तो ऐसे पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जो वो एक प्रगतिशील हो, आगे चल के देश को और अच्छा बनाए, बेड़ा गर्क ना करें। रुझान योग्यता एवं क्षमता का सिद्धांत, इसका कहने का मतलब दोस्तों रुझान योग्यता एवं क्षमता का सिद्धांत का मतलब, जैसे पहले किताबें ज्यादा होती थी, थ्योरी ज्यादा होते थे,
आजकल किताबें कम हो गई। क्यों? क्योंकि बच्चों का रुझान थोड़ा कम किताब टेक्नोलॉजी की तरफ आने लगा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा किताबें नहीं पढ़ना चाहते। अच्छा, पहले जो परीक्षाएं भी होती थी वो रिटन फॉर्म में ज्यादा होती थी, अभी क्या है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ज्यादा होती है। तो ये सब चीजें क्या है, हम ये देखते हैं कि बच्चों का रुझान किधर है। सिलेबस कम कर दिया गया, क्यों कम कर दिया गया, कि हम ये देखते हैं उनकी क्षमता कितनी है और उनकी योग्यता कितनी है। तो जब हम पाठ्यक्रम बनाते हैं तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि बच्चों का रुझान, उनकी योग्यता और उनकी क्षमता कितनी है। तो हमें इस पॉइंट को भी, इस सिद्धांत को भी ध्यान में रखना है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, दोस्तों, पाठ्यक्रम का चयन तथा अनुभव के आधार पर होना चाहिए। पाठ्यक्रम में शारीरिक मानसिक क्रियाशील के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, उन्हें क्या देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। चलिए अगला सवाल, बालक केंद्रित पाठ्यक्रम, मतलब पाठ्यक्रम, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आज का पाठ्यक्रम इसी पर निर्भर करता है। बालक केंद्रित का मतलब हमें बालक को केंद्र मानना है, बालक की रुचि, बालक की क्षमता, बालक की आवश्यकताओं को ध्यान रखना है, बालक केंद्रित पाठ्यक्रम बनाना है। लचीलेपन का सिद्धांत का मतलब दोस्तों, पाठ्यक्रम इतना कठोर ना हो कि बच्चे के लिए वो पालन करना मुश्किल हो जाए, और दोस्तों इतना लचीला, इतना सरल भी ना हो कि बच्चे उसको पालन ही ना करें। तो लचीलेपन का सिद्धांत का मतलब पाठ्यक्रम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो समय पर थोड़ा बहुत उनको छूट दे, थोड़ा बहुत उनको क्या करे, सहयोग करे। तो ये हो गए दोस्तों लचीलेपन का सिद्धांत। अगला पॉइंट है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया गया जिसमें बालक के सर्वांगीण विकास हो, मतलब मन, शरीर, आत्मा, आध्यात्मिक, मानसिक, सामाजिक, ये सारी चीजों का विकास हो। इस तरीके से शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, नैतिक, सर्वांगीण, ये सारी चीजें का विकास करे, आध्यात्मिक विकास करे, पाठ्यक्रम इस प्रकार से होना चाहिए। ये देखिए आपने, ये होते हैं पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत। चलिए अब पाठ्यक्रम के प्रकार को समझेंगे। अगर निर्माण के सिद्धांत समझ गए होंगे तो पाठ्यक्रम के प्रकार को समझने में दिक्कत नहीं होगी। बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर है। पहला दोस्तों विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का बिल्कुल बालक केंद्रित पाठ्यक्रम के विपरीत है। इसको हम शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं, टीचर सेंटर्ड करिकुलम भी कहते हैं। इसमें क्या लिखना है आपको, जैसे ऐसे पाठ्यक्रम जिसमें हम शिक्षक को प्रमुख मानते हैं, शिक्षक को मेन मानते हैं, शिक्षक के अनुसार पाठ्यक्रम बनाते हैं, इसको हम कहते हैं दोस्तों विषय केंद्रित या फिर शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम। दूसरा है दोस्तों बालक केंद्रित पाठ्यक्रम का मतलब चाइल्ड सेंटर्ड पाठ्यक्रम। जैसे हमने कहा ना कि बच्चों के रुचि, बच्चों की क्षमताएं, बच्चों की उनकी योग्यताओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे, उस प्रकार के पाठ्यक्रम को बालक केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम जिसमें क्रियाएं ज्यादा हो, इसको समझ जाइए दोस्तों। उद्देश्य केंद्रित पाठ्यक्रम जो किसी विशेष उद्देश्य पर्पज के लिए बने, जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा होम साइंस, होम साइंस में कुछ ऐसे भी पाठ्यक्रम तो जो विशेष तौर पे उस चीजों के लिए बनाते हैं, इंजीनियरिंग का पाठ्यक्रम, मेडिकल का पाठ्यक्रम, ये सारी चीज क्या है, उद्देश्य केंद्रित पाठ्यक्रम होते हैं। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम जिसमें बच्चों को स्वयं अनुभव करके सीखने का उसमें बल दिया जाए, पुरानी जो चीजें हो चुकी है रिसर्च उस पर उनको सीखने को मौका मिले। सहसंबंध पाठ्यक्रम का मतलब दोस्तों, कोरिलेशन का मतलब दोस्तों, कि एक विषय का दूसरे विषय से संबंध बने, आपके इस क्लास का सब्जेक्ट का अगले क्लास के सब्जेक्ट से आपका क्या बने, संबंध बने, तो सहसंबंध पाठ्यक्रम यानी कोरिलेशन पाठ्यक्रम इसको कहते हैं। कोर करिकुलम का मतलब, कोर करिकुलम और एकाकी, कोर करिकुलम का मतलब जैसे मान लीजिए पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी चीजें हों जो सबके लिए समान हो, जैसे अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर के तो नॉलेज एंड करिकुलम, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग डेवलपमेंट और आईसीटी, ये कोर करिकुलम है या दोस्तों कोर सब्जेक्ट है आपका, ये सबके लिए समान है। तो कुछ करिकुलम ऐसे होते हैं जो कोर करिकुलम हो, जो सबके लिए समान हो, जो सबके लिए मुख्य हो। एकाकृत पाठ्यक्रम का मतलब दोस्तों, जो एकाकृत हो, जो चीजें खुद में भी स्पेसिफाइड हो, ये चीजें होती हैं। तो दोस्तों ये होगी सारी पाठ्यक्रम के प्रकार के बारे में। अक्सर अगर आपसे ये पूछ दे कि सवाल, देखिए सवाल कैसे पूछता है, सवाल ना दो चीजों को ऐड कर देगा, जैसे पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम के प्रकार की व्याख्या करें, पाठ्यक्रम से क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों की व्याख्या करें। तो जो पॉइंट पूछेगा आपको स्पेसिफिक उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब पाठ्यक्रम का प्रकार पूछे तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या पाठ्यक्रम के निर्माण सिद्धांत को तो पाठ्यक्रम प्रकार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो अक्सर इसे दो टाइप में सवाल पूछ देता है, पहला पाठ्यक्रम पूछेगा फिर उसके बाद किसी एक पॉइंट को एक्स्ट्रा ऐड कर देगा। तो यहां तक आपके बात में समझ। अब आइए यूटिलिटी ऑफ पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का क्या है भाई, पाठ्यक्रम का महत्व है दोस्तों, पाठ्यक्रम का क्या उपयोग है इसको जरा देखिए। छात्रों के सर्वांगीण विकास करना बहुत ही आसान है दोस्तों, सभ्यता व संस्कृति का स्थानांतरण एवं उसका विकास करना, पाठ्यक्रम को ऐसा बनाएंगे कि क्या करें आपकी सभ्यता संस्कृति का स्थानांतरण करें। बालक के नैतिक और चरित्रिक विकास करना, बालक की मानसिक शक्तियों का विकास करना, बालक की रचनात्मक और सृजनात्मक शक्ति का, क्रिएटिव थॉट का क्या करना दोस्तों, डेवलप करना, बालक में गतिशील लचीले मस्तिष्क का निर्माण करना, खोज प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए,
और बालक को उनके भावी जीवन के लिए तैयार करना, शैक्षिक प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित करने के लिए बालकों की क्षमता, योग्यता, रुचि का विकास करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, पाठ्यक्रम की यूज़ है, क्यों हमें पाठ्यक्रम को बनाना है, पाठ्यक्रम क्या वास्तव में इस्तेमाल है, महत्व है, यूज़ है। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ पे हम देखेंगे पाठ्यक्रम के लास्ट पॉइंट, पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया के सोपान। जैसे मान लीजिए अगर पाठ्यक्रम को आप विकसित करना है तो इसकी कुछ प्रक्रिया है ना, कि किस चीज़ से होकर आपको यहाँ पे चलना, स्टेप वास्तव में इसको कहते हैं, स्टेप ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन या फिर करिकुलम के स्तर। पहला दोस्तों शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान, जब भी आप पाठ्यक्रम बनाएंगे आप पहले ये जानेंगे कि शैक्षिक शिक्षा में आवश्यकता क्या है। दूसरा उसके उद्देश्य निर्धारित करेंगे, इसके शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तीसरा विषय वस्तु का चयन एवं संगठन, और अधिगम अनुभवों का चयन एवं संगठन, लास्ट में मूल्यांकन करेंगे। ये दोस्तों वास्तव में बहुत विस्तृत टॉपिक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आप पाठ्यक्रम को समझे होंगे तो समझ गए होंगे। शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान करना, अगर आप पाठ्यक्रम बना रहे हैं तो ये स्टेप है ना, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको पहचानना है कि शिक्षा में आवश्यकताएं क्या है, फिर उस शिक्षा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, कोई भी किताब उठा के देखिए, किसी बच्चे का बुक उठा के देखिए, चैप्टर स्टार्ट होता है ना तो पहले वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स लिखा होता है, उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य लिखा होता है, ये पढ़ने से बच्चों के अंदर प्राप्त क्या हो। जब आप शिक्षक बन जाएंगे ना तो उस उद्देश्यों को भी ध्यान रखना है कि हमें ये चीज़ें पढ़ानी है, और अंत में आपको मूल्यांकन करना है कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई। जब भी हम पाठ्यक्रम के स्टेप की बात करेंगे, निर्माण के स्टेप की बात करेंगे, किस स्टेप से चल के, किस सोपान से चल के बच्चों को पाठ्यक्रम देना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान करनी। दूसरा शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना कि भैया ये उद्देश्य के लिए हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं। फिर विषय वस्तु का चयन करेंगे, अधिगम अनुभवों का चयन करेंगे, उसको संगठित करेंगे, और फिर उसके बाद अंततः उसका मूल्यांकन करेंगे। ओके, तो ये हो गए दोस्तों पाठ्यक्रम, या फिर यहाँ पे पाठ्यचर्या लिखा है, कोई बात नहीं, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के विकास के सोपान। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में समान नहीं होता, थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन यहाँ पे पाठ्यचर्या लिखा है भाई। ओके, चलिए लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। तो इसके बाद वीडियो को समाप्त कर देंगे, आप आराम से अपना कार्य कर सकते हैं। ये देखिए, अगर यहाँ तक देख लिए ना, आप यकीन मानिए पेपर देने जाइए, फिर आपको समझ में आएगा कितना अच्छा वीडियो ये रहा है, कितना सहायक ये वीडियो रहा है। इसके पहले भी एक वीडियो बनी थी, आप उसने उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको देख लिया होगा। 3 से 4 वीडियो बनेगी, आप चारों वीडियो को देख लेंगे, निश्चिंत होकर पेपर देने जाइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आसान शब्दों में, जिस शब्द को मैं समझ सकता हूँ, जिस शब्द में बातें करता हूँ, उन शब्दों में लिखा गया, तो आपको बड़ा मजा आएगा। अच्छा, अच्छी पाठ्य पुस्तक का मतलब क्या होता है, एक टेक्स्ट बुक अगर आपके पास एक किताब है वो अच्छी होगी, तो उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, ठीक है, क्या पुस्तक मनोवैज्ञानिक शैली में लिखी होनी चाहिए, ठीक है, पुस्तक का लेखक अनुभवी एवं परंपरागत व्यक्ति होना चाहिए, पारंगत व्यक्ति, अनुभवी है, पारंगत व्यक्ति, अनुभव भाई कोई भी किताब लिख दे, मतलब अनुभवी व्यक्ति किताब लिखे, ये एक क्या अच्छी किताब की विशेषता है। पुस्तक का मूल्य उचित हो, इतना नहीं कि बहुत महंगा कर दीजिए। विषय वस्तु सूची के अंत में अनुक्रमित होना चाहिए, मतलब क्या होता है, एक समान क्रम में होना चाहिए विषय वस्तु की सूची। पुस्तक देखने में सुंदर और सुग्रह होना चाहिए, मतलब एक अच्छा दिखने वाला होना चाहिए। पुस्तक की छपाई आवश्यक रूप से स्पष्ट हो, मतलब साफ साफ छपी हो वो किताब। पुस्तक में चित्र, रेखाचित्र, ग्राफ, मानचित्र, उदाहरण अधिक एवं बालकों के स्तर के अनुसार अनुकूल होना चाहिए। जहाँ जरूरत हो दोस्तों वहाँ पे ये सारी चीज़ों का प्रयोग होना चाहिए, चित्र, रेखाचित्र, मानचित्र, उदाहरण होना चाहिए, ठीक है। पुस्तक में चित्र अधिक स्पष्ट, रंगहीन हो, ये अच्छी किताब है, मतलब एक किताब अच्छी कैसे अच्छी बना सकते हैं। पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम में सभी अंगों की विवेचना भली भांति हो। प्रश्न वैज्ञानिक रूप से सत्य तथा तकनीकी दृष्टिकोण से शुद्ध होने चाहिए, गलत प्रश्न दे दिया फिर किताब का क्या है, मतलब बच्चा वहीं पे परेशान है। कुछ और पॉइंट, पुस्तक के अंत में छात्रों को क्रियात्मक कार्य के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए हों कि वो घर जाके कार्य करें। बुक की साइज शेप उपयुक्त हो, बहुत बड़ा ना हो, बहुत मोटा ना हो, बहुत छोटा ना हो, मतलब साइज शेप क्या हो, अच्छा हो। समय समय पर आवश्यकतानुसार उसका संशोधन भी होना चाहिए, सही बात है। जैसे जैसे समाज की जरूरतें बड़े बदलेंगी, किताब के हमें सिलेबस को, किताब के हमें क्या हो, किताब को, पाठ्य पुस्तक को भी क्या करना है, बदलना है। पाठ्य पुस्तक आसानी से छात्रों को उपलब्ध होनी चाहिए, ठीक है। पाठ्य पुस्तक में योजना, समय, गृह कार्य, सुझाव, विषय, बंदी संबंधित, ये वो पॉइंट है जो आप आसानी से लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए। तो दिस आर द 4 लास्ट पॉइंट। पुस्तक में विधियों तथा छात्रों में पर्याप्त अभ्यास पर बल हो, एक्सरसाइजेस भी हों, बच्चों को अभ्यास पे बल दिया जाए। सरल से कठिन के सिद्धांत के अनुसार हो, शुरू में थोड़ा आसान है, फिर धीरे धीरे कठिन के सिद्धांत पर काम करें। पाठ्य पुस्तक कक्षा विशेष के लिए निर्धारित उद्देश्य का अनुकूलन करना चाहिए, किसी कक्षा विशेष के लिए, जैसे क्लास 9 के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, क्लास 9 के बच्चों को कैसे सोच सकते हैं, क्लास 9 के बच्चों को कैसे बनाना है, तो इस तरीके का आपको उद्देश्य निर्धारित करके विषय वस्तु होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक में सामग्री, आयोजन मनोवैज्ञानिक और तार्किक लॉजिकल क्रम में हो,
इससे संबंधित विभिन्न क्रियाओं के लिए संकेत होने चाहिए। तो ये सारे वो गुण है, ये सारे वो क्वालिटी है जो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको आप आसानी से समझ के देखिए। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त की जाएगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बस अगर आपने यहाँ तक देख लिया, निश्चिंत हो जाइए, आप लिख सकते हैं। अगर आपको लगे तो एक बार और देख के जो पॉइंट्स है दोस्तों, उस पॉइंट को लिख के आप बस ये करिएगा, पेज पे पॉइंट लिखिएगा और सोचिएगा, अच्छा इसके बारे में मैं क्या जानता हूँ या क्या जानती हूँ, इसके बारे में मैं क्या लिख सकती हूँ, इसके बारे में कितने पॉइंट को ऐड कर सकती हूँ। अगर आपको दो चार पॉइंट, छह पॉइंट समझ में आ रहा है, लिख पा रही है, तो यकीन मानिए ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। उसके अंदर क्या लिखना है, इस पीडीएफ में क्या लिखा है, फर्क नहीं पड़ता। आप उसके बारे में क्या सोच पा रही हैं, वही चीज़ आपको एग्जाम में लिखना है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि यह सेशन, यह वीडियो आपके लिए सहायक होगा, पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। और इस बात से आप निश्चिंत रहिए, परीक्षा में डेफिनेटली इससे सवाल पूछे जाएंगे, डेफिनेटली इससे सवाल आएंगे। बस आप इस बार मेहनत एक बार अपने तरीके से कर लीजिए, अपने तरीके से देखिए कि आप कितने शब्दों को बना पा रहे हैं, कितने शब्दों को लिख पा रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इसके पहले भी एक वीडियो बनी गई थी, हालांकि उस वीडियो के बाद ही ये देखना ये जरूरी नहीं है। उस वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे दो या तीन और वीडियो बनेंगी, जैसे एक वीडियो में आपको देखना होगा आपके वाद के बारे में, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, ये वाद है। और आपके कुछ शिक्षा दर्शन है, शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है, गांधी जी का शिक्षा दर्शन, स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा दर्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का शिक्षा दर्शन, ये मुख्यतः दो और पॉइंट यहाँ पे रह रहे हैं। इसके अलावा आप सारे पॉइंट को कर सकते हैं, मैंने वीडियो में बता दिया। ठीक है, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। निश्चिंत होकर जाइए, अच्छे से पढ़ के जाइए, समझ के जाइए, पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करेंगे। आपने देखा होगा अभी तक नहीं कहा मैंने कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इस बात पे यकीन करता हूँ कि अगर आपको मेरा काम पसंद आया होगा, लगा होगा कि ये वीडियो सही है, लगा होगा कि ये लड़का काम का है, सही काम कर रहा है, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। और आपको अगर लगता है कि आप चैनल से जुड़ के कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, तो आप प्लीज चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके एक सहायता कर दीजिएगा, मेरे लिए एक फेवर कर दीजिएगा कि अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा, अपने कॉलेज ग्रुप में डाल दीजिएगा, क्योंकि ये पढ़ाई का वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बकवास चीजें कर रहा हूँ। तो पढ़ाई का वीडियो तो आप शेयर कर सकते हैं, आपके कॉलेज ग्रुप में शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे तो क्या क्या भेजते रहते हैं। तो आप इस वीडियो को कॉपी करिए और उनके अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, तो उनके साथ भी अच्छा हो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना है दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा इस पूरे सेशन बना के, आशा करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी करिए, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जय हिंद जय भारत।